हमजा शहबाज मॉडल टाउन में शहबाज शरीफ की गिरफ्तारी पर अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। गिरफ्तार किया गया है कि जी आपने उस ठेकेदार का ठेका कैंसिल कर दिया, पेशावर मेट्रो बस का ठेका दे दिया गया नियाजी साहब के दौर में, और आज भी वो नैब में पेश होता है, मफरूर है, प्ली बार्गेन की है, कोई गिरफ्तार नहीं करता। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नंदीपुर में जो बाबर एवान साहब हैं वो कल तक मुशीर थे नियाजी साहब के, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नंदीपुर में करोड़ों का खुर्दबुर्द है, अरबों का खुर्दबुर्द है, इसके खिलाफ इंक्वायरी की जाए। आज तक किसी को जरूरत नहीं हुई नियाजी साहब कि वो उसको गिरफ्तार किया जाए। और कौम को बताना चाहता हूँ कि हेलीकॉप्टर रेफरेंस में नियाजी साहब आपको भी नैब बुलाती है, इमरान नियाजी साहब आपने भी हेलीकॉप्टर का मिसयूज़ किया है, और आप जब जाली मैंडेट लेकर वज़ीर आज़म के मनसब पर बैठे तो चंद दिन बाद नैब चेयरमैन से आप मुलाकात करते हैं, और कौम देखती है कि जिसको अपना जो है एक रेफरेंस में नैब कहती कि आओ तुमने अपना जो है मिसयूज़ ऑफ हेलीकॉप्टर किया है, सरकारी हेलीकॉप्टर का गलत इस्तेमाल किया है, अपना आके जवाब दो, वज़ीर आज़म बनकर आप नैब चेयरमैन से मीटिंग करते हैं। और आज अभी मुझे पता लगा है कि पीटीआई वालों ने पंजाब असेंबली में नैब को खराज अकीदत पेश करने के लिए करारदाद जमा करा दी, और इंफॉर्मेशन मिनिस्टर फवाद चौधरी साहब कहते हैं कि अभी और भी बड़ी गिरफ्तारियां होनी हैं। गुजारिश ये है कि ये बातें हमारे लिए नई नहीं हैं, पाकिस्तानी कौम जानती है कि नवाज शरीफ शहबाज शरीफ ने 10 साल की बात कर रहा हूँ, पाकिस्तानी कौम को मैं मुखातिब करके कहना चाहता हूँ कि मैं यहाँ पे अकेला था और 10 साल शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ के एहतसाब के नाम पर मुझे लाहौर से बाहर जाने की इजाज़त नहीं थी। रोज़ अब तो ये पेशियाँ होती हैं ना, उस वक़्त 10 साल मैं रोज़ 6-6 घंटे नैब के दफ्तर के बाहर बैठता था, और एक दिन मुशर्रफ के अपॉइंटेड नैब चेयरमैन ने मुझे दफ्तर के अंदर बुलाया, मैंने कहा आप मुझे 10 साल 6-6 घंटे चपरासियों की तरह बाहर बिठाते थे और मुझे लाहौर से बाहर जाने की इजाज़त नहीं थी, लोगों को तो ECL पर डाला जाता है, तो आज मुझे आपने अंदर बुलाया, और उन्होंने कहा कि मुशर्रफ साहब ने मुझ पर बड़ा दबाव डाला, लेकिन आज हमजा मैं तुम्हें एक बात बताना चाहता हूँ कि तुम्हारे ख़ानदान के खिलाफ हमने फाइलें खंगाल ली, लेकिन एक पाई की क्वेश्चन हम साबित नहीं कर सके, अपने बुज़ुर्गों को आज बता देना। तो इमरान नियाजी साहब उस दौर में आप मुशर्रफ की गोद में बैठा करते थे और अपना जो है रेफरेंडम के दाई बना करते थे, आपसे तो 2 दिन थाना नहीं काटा जा सकता। दिल बड़ा करें, अगर अपना जो है वो धांधली, ये मेरे सीने पर ज़ख़म नहीं है, ये जमहूरियत के सीने पर ज़ख़म है इमरान नियाजी साहब, और आप अभी धांधली का ज़ख़म जो है वो मुंदबिल नहीं हुआ, आपने धौंस भी शुरू कर दी है। आप जितने मर्जी जतन कर लें, आज 40 दिनों बाद पाकिस्तानी कौम ने देखा कि जो बड़े बड़े दावे किए गए, हाँ एक काम आपने बहुत अच्छा किया कि आपने जो है ना बखूबी वज़ीर आज़म हाउस की भैंसों की नीलामी कामयाबी से की, उसकी मैं मुबारकबाद आपको देता हूँ, जिसको हिंदुस्तान के मीडिया ने दिखाया कि ये एटमी कुव्वत है, 22 करोड़ लोगों का मुल्क है, लेकिन आज भूखा नंगा है और उसका वज़ीर आज़म जो है अपने हाउस की भैंसों की नीलामी कर रहा है। ये मेरी तजलील नहीं है, पाकिस्तानी कौम की तजलील है नियाजी साहब। ये कंटेनर नहीं है, ये क्रिकेट का मैदान भी नहीं है, ना ये गेंद बल्ले का खेल है, ये सियासत है। सियासत में कुर्बानियाँ देनी पड़ती हैं, जलावतनियाँ काटनी पड़ती हैं, फांसी सूली पर चढ़ना पड़ता है, जेलों में जाना पड़ता है, ऑपोजिशन बर्दाश्त करनी पड़ती है। आपसे तो तनकीद बर्दाश्त नहीं हुई, आपने कहा कि 3 महीने दे दो उसके बाद जो मर्जी करना कर लेंगे। देखिए मेरी बात सुने, बात बड़ी सीधी है कि हम अल्लाह ताला के ऊपर यकीन रखते हैं, हमने अपना जो है वो ऑपोजिशन भी देखी है,
हमने मार्शल अदवार भी देखे हैं, हमने जेलें भी देखी हैं, और मुझे आज कहना पड़ेगा कि मुझे फ़ख्र है कि मैं नवाज़ शरीफ का भतीजा हूँ, मुझे फ़ख्र है कि आज मैं मोहम्मद शहबाज शरीफ का बेटा हूँ, जिसने मुझे यह नहीं सिखाया कि बेटा इकदार की सीढ़ी कैसे चढ़ना, उसने मुझे सिखाया कि बेटा कफन की जेब नहीं हुआ करती है, इज़्ज़त की दाल रोटी खा लेना, इज़्ज़त की हिफाजत करना, वरना लोग कहेंगे देखो ये अरबों लूट कर अपना जो है वो कौम का पैसा लूट कर, वो इज़्ज़त नहीं है। इज़्ज़त आजी में है, ऑनेस्टी में है, और लोगों ने खुलकर वोट दिए पाकिस्तानी कौम को, नवाज शरीफ से मोहब्बत की। आज भी बात बदली नहीं है, 10 साल की दास्तान सुनाई, आज भी नवाज शरीफ को जो 119 पेशियां अपनी बेटी के साथ भुगतता है, और अपनी वेंटिलेटर पर बीवी जिसको सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी, एक एक पल वो आया, कौमी फरीजा अदा किया, जेल में गया, और जज का आपको लिखना पड़ा एहतसाब अदालत के जज को कि नवाज शरीफ के ख़िलाफ़ करप्शन साबित नहीं हुई। तो न्याजी साहब ये जज छोड़ दें कि शरीफ फैमिली के ख़िलाफ़ ढूंढ कर केसेस लेके आओ, और अपना जो है आप अपनी नाअहली को, आप अपनी धांधली से बनी हुई हुकूमत को इन गिरफ्तारियों के पीछे नहीं छुपा सकते। ये दूध का दूध पानी का पानी होना ही है और होकर रहेगा, और मैं पाकिस्तानी कौम को सलाम पेश करता हूँ कि आज दाएं बाएं जो लोग इस खारदार रास्ते चलकर धांधली, बदतरीन 71 साल में ऐसी धांधली नहीं हुई, वो आज कौम ने नवाज शरीफ को वोट दिए, और आज पंजाब असेंबली में, नेशनल असेंबली में हमारी अदली अक्सरियत है, और हम सबसे बड़ी जमात बनकर उभरे हैं। ये लोगों की मोहब्बत है, अल्लाह का करम है, आपसे ये बर्दाश्त नहीं होता। क्यों बर्दाश्त हो जब एक लूली लंगड़ी हुकूमत है, हुकूमत जो है वो हवा में मुअल्लक है, 4 वोटों से आप वज़ीर आज़म बन तो गए हैं, लेकिन अब आपको ज़रूरत है कि यार ये बाई इलेक्शन है, 37 टोटल सीटें, इसमें 11 कौमी असम्बली की सीटें हैं, अगर ये पकड़ धकड़ ना की, और अगर अपना जो है ये अपोजिशन ने ज़िमनी इलेक्शन का मार्का मार लिया, तो मेरी हुकूमत का क्या बनेगा। तो न्याय साहब इस तरह हुकूमतें नहीं चलती, और हुकूमतें कुर्सी से नहीं चला करती हैं, हुकूमतें जो हैं वो लोगों के दिलों में हुकूमत होती है।